आज हम बात करेंगे स्किन केयर की और एलोवेरा की जो एलोवेरा जो है हमारे साथ एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम स्किन केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं अच्छा तो स्टार्ट कर लेते हैं स्किन केयर स्किन केयर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ एंड अपीयरेंस ऑफ स्किन थ्रू क्लिनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम डैमेज अच्छा स्किन केयर को हम प्रैक्टिस करते हैं मेंटेनिंग हेल्थ जो कि स्किन स्किन की भी एक अपनी हेल्थ होती है जिसको आप लोग मेंटेन करने के लिए उसकी मॉइस्चराइजिंग करते हैं साफ़ करते हैं क्लीन करते हैं उसके प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डैमेज डैमेज कैसे होता है जैसे कि अल्ट्राइलेट रेडिएशन से डैमेज होता है और आप लोग uh, को कट्स वगैरह लग जाते हैं ठीक है तो उससे डैमेज होता है इट इन्वॉल्व यूजिंग प्रोडक्ट एंड हैबिट दैट नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्किन हेल्पिंग टू कीप इट लुकिंग हेल्थी एंड रेडियंट स्किन केयर रोटी स्किन बी वेरी बेस्ड ऑन द स्किन टाइप एंड जनरली आई एम टू प्रोट स्किन स्किन की भी अपनी हेल्थ होती है और हर, हर स्किन मतलब स्किन के टाइप्स होते हैं ठीक है किस किस स्किन टाइप के लिए ये एलोवेरा ज़रूरी होता है ठीक है हर स्किन टाइप के लिए एलोवेरा नहीं होती किसको एलर्जी भी हो जाती है इससे ठीक है तो ड्रेन स्किन टाइप्स के जो हमारे साथ मेन टाइप्स है तो वो ड्राई स्किन होता है ऑयली स्किन होता है जिस दोनों के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फायदे और अपनी स्किन हर किसी को चाहिए कि वो अपनी स्किन केयर करे जैसे कि डेली आप रूटीन में आप लोग ब्रश करते हैं या कोई मतलब आप लोग अगर देखें ना कि इंसान दिन में क्या करता है ठीक है टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग तीन टाइम खाना खाते दो टाइम खाना खाते है ब्रश करते हैं एक टाइम स्टडी करते हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग अपने स्किन को भी टाइम दें और इसका ख्याल रखें क्योंकि अगर आप लोग का स्किन डैमेज हो जाए तो टाइम लगता है और फिर इंसान अच्छा भी नहीं लगता ठीक है अगर आप बाहर निकलते हैं तो लोग बातें बनाते हैं ठीक है तो अपने स्किन का भी ख्याल करें उस ख्याल करने के लिए एलोवेरा एक बहुत अच्छा एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि आप यूज कर सकते हैं इसके बहुत ज्यादा फायदे अच्छा एलोवेरा ऑफ़ द फ्राम एलोवेरा लीव एज कॉमन हाउस होल्ड रेमेडी फॉर माइनर कट्स एंड बर्न एज वेल एज सन बर्न इट कैन बी पाउंड मैनीमरिकल स्किन लोशन एंड कॉस्मेटिक एलोवेरा कंटे एक्टिव कंपाउंड एट में रिड्यूस पेन एंड स्किन ग्रोथ एंड अच्छा है ठीक है एक पौधा है जिससे आप लोग एलोवेरा की लीप होती है ना तो उसके दरमियान में जल जो जल प्रेजेंट होता है ना तो वो ज़रूरी होता है वो हमें चाहिए होता है अपने स्किन के लिए वो जेल हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पर लगा सकते हैं ठीक है थीके? जो कि हर आजकल हर घर में मौजूद होता है अगर मौजूद ना भी हो ना तो आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से या कॉस्मेटिक शॉप वगैरह से ले सकते हैं आप लोगों को इजीली मिल जाएगा ठीक है इसके बेनिफिट्स कुछ ये है कि आपके स्किन पर कट्स लग जाते हैं बर्न सन बर्न हो जाते हैं ठीक है थीके? और इरीटेशन वगैरह हो जाती है रेडनेस वगैरह हो जाती है एलर्जी वगैरह तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं इसे लगा सकते हैं जिससे आपका स्किन ठीक भी होता है जो और सनबर्न तो होते हैं तो वो भी ठीक होते हैं और आपकी जो एलर्जी वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाती है ठीक है इसमें हमारे साथ इट कंटेन विटामिन बीटा रोटीन सी एंड ई विच एंटी ऑक्सीडेंट एसिड एंड विटाम अच्छा ये मेडिकल medical, मेडिकली आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है बस आप लोग ये समझिए कि ये ज़रूरी है ये, ये इसमें मतलब प्रेजेंट होता है एलोवेरा में ये मौजूद हो आप लोग इसकी अलग सर्च कर सकते हैं अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ ना तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ठीक है तो इसमें ये प्रेजेंट होता है जिसकी बदौलत ये आपको बेनिफिट देता है एलोवेरा जेल अच्छा रेगुलर रेगुलर अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एलोवेरा टू टू दी फेस ऑन हेल्प ट्रीट वेरियस स्किन कंडीशन इंक्लूडिंग एक्नी एंड सन बर्न ए पर्सन कैन यूज द जेल डायरेक्टली फ्रॉम एलोवेरा प्लांट और बाय बोटल वैरायटी फ्रॉम हेल्थ स्टोर अच्छा आप लोग इसे रेगुलरली भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इसे वीक में टू थ्री टाइम्स लगा सकते हैं ठीक है इसको ऐसे आपकी इकनी जो होती है सनबर्न वगैरह हो जाती है रेडिए रेडियो रे अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन से जो आपका पेस्ट डैमेज हो जाता है और आ, आपको एलर्जी वगैरह हो जाती है तो इससे आपकी वो ठीक हो जाएगी मतलब ऐसी डायरेक्ट नहीं ठीक हो जाती अगर आप लोग एक दिन लगाए कहे कि मेरा स्किन तो ठीक नहीं हुआ इससे आपके स्किन में सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस आ जाती है आपका स्किन ग्लो करना होता अगर लोग ये पूछे कि स्किन वाइट कैसे होता है तो लड़की और लड़के दोनों ये क्रीम्स वगैरह लगाते हैं जो, लगा जो कि जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं तो आप लोगों के उल्टा उस टाइम तो ग्लो देता है स्किन को मगर बाद में आपका स्किन डैमेज हो जाता है उससे तो वो उससे ग्रेस करे। उस करें वो ना यूज़ करें ज़्यादातर और नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें जैसे कि एलोवेरा जिससे आपका स्किन ग्लो भी करता है और फेस वाइटनिंग की तरफ भी चले जाते हैं जो आपके स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह आए होते हैं ना तो वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं मगर ऐसे डायरेक्ट खत्म तो नहीं होते आप लोग इसे रूटीन बनाएं स्किन केयर का और ऐसे रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर अप्लाई करें स्किन पर तो आप लोग का स्किन केयर मतलब स्किन बहुत अच्छा ग्लो करेगा बहुत अच्छा होगा और आपको कोई आ, मसला है स्किन केयर का तो आप लोग एलोवेरा का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि नेचुरल नेचुरल है अच्छा हाउ टू यूज़ एलोवेरा

टाइप होती है ना आप इसको आ, इसके दोनों साइड पर जो लेयर होती है ठीक है तो मैं आप लोगों को अपना तरीक़ा बताता हूँ कि आप लोग इसे कैसे लगाएं आप लोगों ने उसकी एक साइड जो लेयर होती है ना तो वो हटाना है ठीक है फिर इसको छोटे छोटे पीस में काटना है कि आपके हाथ में सही से, से ग्रिप से आप पकड़े और आप लोग अपने फेस पर रब करें ठीक है रब करें और आप लगाने के बाद इसको रब करें टाइम टू थ्री मिनट के लिए रब करें और फिर इसे तकरीबन टेन टू फिफ्टीन मिनट अपने चेहरे चेहरे पर रहने दे ठीक है जिससे ये इसकी जो प्रोसेस होती है कि वो हो जाए तो फिर आप इसे हटा सकते हैं क्लीन कर सकते हैं अच्छा है, एक बात ज़रूर याद रखना आप लोगों को एलोवेरा लगाने से पहले आपका जो फेस है जिस जगह पर भी आप लोग लगाना चाहते हो ना तो वो साफ़ होना चाहिए जैसे कि आप लोगों के साथ फेस वॉश वग़ैरह होते हैं तो उसको उसका यूज़ करें पहले से फेस को साफ करें फिर तो उसके बाद इसको लगाए ठीक है तो ये अच्छा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छी नहीं लगी हो तो खैर कोई मसला नहीं है ठीक है और ये वीडियो जनरल थी इसमें ऐसे डिटेल में मैं नहीं गया हूँ हर किसी को ये पता भी है और हर कोई इसका इस्तेमाल भी कर रहा है मगर फिर भी स्किन केयर की जो आ, है ना वो ज़्यादा है लोग ज़्यादा नहीं भी जानते इसके बारे में नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादातर क्रीम्स वगैरह के पीछे जाते हैं मगर उसके पीछे न जाए वो सारे केमिकल्स होते जो कि आप लोग के लिए अच्छे नहीं होते थैंक यू सो मच लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी एलोवेरा से हेयर हेल्थ हेयर हेल्थ आप लोगों के बाल की हेल्थ के बारे में होगी और एलोवेरा से रिलेटेड होगी थैंक यू सो मच